नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं जेएनयू के बढ़ती हुई फीस की। जी हाँ, जेएनयू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो फीस 40 रुपए तक की होती थी, लेकिन अब उसमें 40% बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे स्टूडेंट्स ने काफी हल्ला गुल्ला करा है। उन्होंने इसके लिए प्रोटेक्शन भी करा है कि हम इतनी दूर आके ये जो रहते हैं इसमें हमारा काफी खर्चा होता है, लेकिन अगर जेएनयू की फीस इसी तरह से बढ़ती रही तो हम इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस यूनिवर्सिटी में कई नीचे तबके के लोग भी पढ़ते हैं, जिनके लिए ये कम फीस देना भी बहुत ही मेहनत का काम होता है। वह कभी कभार तो इन फीस में भी कुछ बढ़ोतरी या लेट लपेट हो जाती है, उसके बावजूद ये इतनी बड़ी हुई फीस जेएनयू के स्टूडेंट कैसे दे पाएंगे। सरकार को इसके अलावा कई दूसरे मुद्दों पे पैसे बढ़ाने चाहिए। एजुकेशन के मामले में इतनी ज्यादा फीस हाई कर लेने की वजह से कई स्टूडेंट ने जो प्रोटेक्शन किया था उस पे हमले भी किए गए हैं। पुलिस ने उन्हें लाठी चार्ज और पानी की फुहार से मारा है, जिसके तहत कई स्टूडेंट को गहरी चोटें भी आई हैं। लेकिन जेएनयू स्टूडेंट अपनी मांगों पे वहीं के वहीं हैं। उनके साथ कई टीचरों ने भी उनका साथ दिया है। उनका कहना है कि अगर स्टूडेंट्स की फीस बढ़ती है तो कई स्टूडेंट बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा फीस पे करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वह सभी के सभी किसान परिवार से आते हैं और कुछ तो बहुत ही ऐसे हैं जिनके लिए कल का खाना सोच पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वे अपनी एजुकेशन को लेके सीरियस हैं और वो इसके लिए माफीनामा भी दे चुके हैं फीसों के लिए। लेकिन फिर भी इस फीस का इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कर लेना उनके लिए एक पहाड़ टूट पड़ने के समान है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर वह पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे तो वो इतनी फीस कहां से लाके देंगे। इसके चलते कई स्टूडेंट्स परेशान भी हैं और कई स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं। सरकार से ये दरखास्त रहेगी कि वह एजुकेशन लेवल पे पैसे बढ़ाने की बजाय दूसरे तबकों में पैसे बढ़ाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मंदिरों मस्जिदों में पैसे बढ़ाने से ज्यादा फायदा रहेगा। सरकार को ना केवल एजुकेशन के मोड पे पैसे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि उन्हें दवाइयों की कीमतों पे भी पैसे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता, इससे सिर्फ मरीज मरते ही हैं। तो सरकार इन्हीं दो दबकों में सबसे ज्यादा पैसे क्यों बढ़ाना चाहती है? क्या सरकार को इन्हीं दो दबकों से सबसे ज्यादा मुनाफा होता है? एजुकेशन लेवल को जिसे सबसे ज्यादा सस्ता और सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, सरकार उसी पे अपना बिजनेस चला रही है, जिसके तहत जेएनयू स्टूडेंट काफी परेशान भी हैं और पानी की फुवारों से उन्हें मारती रहेगी तो हमें नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। चाचा नेहरू की वो यूनिवर्सिटी जिसे सभी लोग अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और उन्हें चाचा नेहरू के सम्मान में देखते हैं, लेकिन आज उसी को एक बिजनेस के पर्पस से सरकार ने आगे बढ़ा रहे हैं। वह दूसरे दबकों में पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।